भी आप देख सकते हो सारा खजाना खुला है, आपकी वॉचेस खराब नहीं हुई। वो दुख होता है यार, बड़ा दुख होता है। अगर मेरे साथ उस टाइम पे कोई ऐसा होता ना कि अगर मस्त मेरे साथ यानी एडवेंचर कर सके इस टाइप का, तो मैं हाँ पापा कहाँ जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप देख सकते हो जैसे किचन की सफाई हमने छेड़ दी है, सारे बर्तन और डब्बे सब धुल चुके हैं, तो सारे डब्बों में वापस से सारा जो भी सामान था वो वापस से मैं भर रही हूँ। और आज उठ के यही काम हो रहा है, किचन पूरा धो तो दिया है कल, एक दीवार बाकी है तो आज धुल जाएगी। ड्रॉवर्स सारे निकाल के इधर जमा है और बस वही काम चल रहा है, और साथ ही साथ थका भी जा रहा है। कल तो क्या थकान लगी है, पूरा किचन धोया है रगड़ रगड़ के, तो बस आज नीचे फ्लोर धोना बाकी, फ्लोर धो देंगे और फिर मेरे रूम को भी आज छेड़ देंगे, तो रूम की भी सफाई आज हो जाएगी लगे हाथ, क्योंकि आज दो काम वाले हैं तो काम हो जाएगा। कल एक ही थे तो थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए किचन थोड़ा आधा अधूरा रह गया, पर आज तो कम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी हालत देख सकते हो, अभी ये सारे डब्बे जमाए हैं, सारे अंदर जितना भी सामान निकाला था वो सारा भरा है, और ये सारे बर्तन चैनल्स तो मैंने सारी अभी जमा दी है। किचन एकदम चमक रहा है, अब ये सारे चैनल्स में शीट्स जितनी भी हैं वो वहाँ पर सारी शीट्स पड़ी हुई है, ये इन शीट्स को अच्छे से अंदर बिछा बिछा के सारे बर्तन जमा देती हूँ, ताकि किचन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक फ्लोर भी नीचे धुल रहा है, आप देख सकते होगे नीचे जो भी दोनों काम वाले आए हैं वो दोनों जने मिलके नीचे फ्लोर अच्छे से रगड़ रहे हैं, सारे किनारियाँ भी रगड़ दी हैं, कंप्लीट क्लीन हो गया, दीवारें भी रगड़ा के धुल गई है एकदम कम्प्लीट। तो एक बार बर्तन जमा देती हूँ, फिर मेरा रूम बिखेरेंगे, नहीं तो बहुत सारा बिखेरा ऑलरेडी बाहर है और मेरे रूम वाला भी पूरा बाहर आ जाएगा। तू भी कुछ काम कर लिया कर, सिर्फ मस्ती करता रहता है। ये टेबल पूरा ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पर भी मैंने सारा हटा दिया जो भी चार्जर्स वगैरह रहते हैं। अब ये चेयर और ये टेबल्स बाहर निकालती हूँ। सफाई यानी बहुत बड़ा काम है भाई, इतना और खाली कर दिया है, वो दो कैबिन्स बाकी हैं, अपना तगारे लाला के सारा सामान निकालना पड़ेगा। एक बार चिकू को फ़ोन करती हूँ क्योंकि उनका सामान है, उनको ही पता है किसे क्या रखना है, क्योंकि मगर मैंने कहीं उल्टा से उल्टा रख दिया, मेरी आ बनी है। हेलो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चिकू आ चुके हैं, इतना सामान इन्होंने निकाल दिया है, वो सारी चीज़ें रिजेक्टेड निकाली है, दोनों कैबिन खाली। और सच बताऊँ ना, एक दिन हम अच्छा एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बेचनी है जो अब हमारे काम नहीं आ रही है, सो बहुत जल्दी भी वो वीडियो भी आने वाला है, क्योंकि अलमारी की सफाई बाकी है सब चीज़। ये वाला बाकी है, केबिन निकालो इसमें। ये किसकी फेंको? तुम काम करते हो कितने अच्छे लगते हो। ठीक है, ये चाहिए थी मुझे दुकान पे, ढूंढ रहा था मैं क्या चीज है। मैं कितनी समझदार हूँ, देखा तुम्हारी सारी चीजें, मैंने ही रखी थी लेकिन मैं भूल गया। अच्छा जी, अपने गोप्रो की बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई है पता है। तो अभी ये पीछे ओटीएस भी साफ हो रहा है, जो मेरे रूम में वॉशरूम है, पर ये वाला मैं वॉशरूम यूज नहीं करती क्योंकि अंदर बहुत सारी चिपकली जाती है, ऊपर सारा खुला है ना, तो उसको बंद करके रख दिया। अगर उसको खोल के रखेंगे ना तो और रूम कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने कुछ रख नहीं सकते, उसके सामने तो और भी अलमीरा आ जाती है, इसलिए आधा आधी जगह ये अलमीरा ले लेती है। अगर वो वॉशरूम में चालू रखूँ तो मतलब आप देख ही सकते हो रूम में इतनी सी भी जगह नहीं बचेगी। काम वाली मेरे रूम में झाड़ू ही क्यों लगेगी क्या बता, और इतना कचरा निकला है ना भयंकर, क्योंकि झाड़ू कोई जाता ही नहीं है, जगह ही नहीं रहती है। भयंकर भयंकर। अरे यार बेटी, ऐसे सफाई थोड़ी करते हैं, बूटा बूट फेंक ही रहे हो आप। अभी इसमें भी कितना भंगार, अगर मैं छाटू बहुत भंगार निकल जाए। सफाई तो जो भी ड्यू है वो पूरी कर देते हैं, हालांकि ये पूरे कैबिन्स है वही खाली करने एक बार, फिर पूरा रूम धुलेगा और बेड नहीं निकलेगा, अलमारी नहीं निकलेगी, बाकी सारा तो निकाल दिया बाहर। सारी एसेसरी के डिब्बे देख सकते हो आप, पूरे यहाँ से खाली होके यहाँ पे आ रहे हैं, और वो भी है अभी तक तो। लो पूरा भाई, ये ले जाना खाना, ठीक है। बाप रे बाप, अभी तक तो वो कैबिन पूरा भरा हुआ है, कितना सामान और है। आज आपको शायद पता चल ही गया होगा, हमको हमारी सोनम कपूर मिल गई है। ये हमारी सोनम कपूर है। Yeah.
ये मेरे पैसे मेरे 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 लो 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 कितने 2000 नहीं 4000 2000 हेलो मेरे अरे यार मेरे इतने दिन तो तुमको याद नहीं है तो इतने दिन तुमको याद नहीं है पूरा रूम एम्प्टी कर दिया है बिल्कुल खाली खम ऊपर का सामान पूरा नीचे आके सफाई हो रही है और ये गद्दा भी हटा दिया है यहाँ से और मेरे रूम में इतना सामान है देख लो ये तो सामान है ही यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ये सामान है थोड़ा बेड पे पड़ा हुआ है इस रूम में भी है ये रूम वाला भी सामान मेरा ही है अब देख लो इतना सामान है तो फिर जगह कहाँ से रहेगी पूरे रूम में धुलाई हो रही है अच्छे से पूरी दीवारें धुल चुकी हैं अभी भी नीचे फर्श धुल रहा है फ्रेंड्स फाइनली रूम में पूरी तरीके से सफाई हो चुकी है पूरे कैबिन्स हैं वो साफ हो चुके हैं और यहाँ पर बेड भी अच्छे से क्लीन हो गया है ये सारे पोटले रूम में रख दिए हैं और इस टाइप से कुछ जमा दिया है अभी टेबल उधर सेट कर दिया थोड़ा स्पेस हो गया इधर तो इधर अभी पोटले रखे तो सारे पोटले खोल खोल के वापस से जमा देती हूँ और अच्छे से सारा अरेंज कर देती हूँ तब तक आप इंजॉय करो मेरे टाइम लाइफ अभी भी तुमको कचरा दिखाना है यानी मैं पूरे दिन से सफाई कर रही हूँ उसमें कचरा संभालने के लिए सफाई कर रही हूँ तुमको और कचरा दिखाना है टीवी हट चुकी है देख लो कितना अजीब सा दिख रहा है और यहाँ पर चिकू ने टीवी अच्छे से क्लीन कर दिया चिकू वो मिरर भी क्लीन कर दो ना कौन सा लगे हाथ बहुत गंदा हो गया वो कितना अच्छा लग रहा है तुम काम करते हुए यानी मुझे तुमको देख के प्यार हो रहा है वापस भगवान ऐसा पति सबको दे टाइम टू टाइम क्लीन किया करो क्या हाँ तो आप ही कर लिया करो ये चीज मैं भी आपको बोल सकती हूँ अब आप यहाँ पे चेयर लगा के बैठोगे परमानेंट तो टाइम टू टाइम आप क्लीन कर देना हाँ एकदम नेट एंड क्लीन किया क्रिस्टल क्लियर अपना काम यानी परफेक्ट ये मिरर अपन को चेंज कराना था पर हुआ ही नहीं एक्चुअली क्या इस मिरर में एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब भी देखोगे आप मोटे ही दिखोगे जो पतला होता है वो खुश हो जाता है बट जो ऑलरेडी मोटा है उसको तो ये मोटा ही दिखाता बिना दीदी इस मिरर में कभी भी नहीं देखते क्योंकि क्योंकि तो जब भी मैं इस मिरर में देखती हूँ मेरे को कहता है मैंने मोटी हुई मैं मोटी हुई और मम्मी वाले रूम में जाके देखते हैं उसमें पतले दिखते हैं वो जरूरत से ज़्यादा पतला दिखाता है हो गया फिक्स हाँ फिक्स हो गया कंप्लीट ओके हाँ हो गया तो गाइस अभी ब्रेक टाइम हो गया है और आज पूरा दिन से थके हुए थे तो खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी चिको पापा भी बाहर जाने जा रहे खाना खाने के लिए और मेरे लिए मैंने पिज़्ज़ा ही मंगवा दिया है बहुत टेस्टी लग रहा है सुबह इतने अच्छे से खाना नहीं खा पाई थी अभी पूरे दिन की थकान और इतनी भूख लग रही थी मज़ा आ रहा है अब ब्रेक टाइम है ब्रेक टाइम S21 S22 अभी आप देख सकते हो सारा खजाना खुला है अभी सारी सफाई आज फाइनली पूरी हो रही है मैंने मेरी सफाई पूरी कर ली थी फिर चिकू ने बोला क्यों ना अलमारी भी आज छेड़ ही दे लगे हाथ हो जाएगी नहीं तो ऐसे कैसे रह जाने वाला है ये चिकू के वॉलेट्स इसमें जो कि मैंने गिफ्ट किया है हालांकि सारी वॉलेट मैं ही गिफ्ट करती हूँ चिकू को हम दोनों एक दूसरे को वॉलेट गिफ्ट करते हैं क्योंकि वॉलेट हमेशा गिफ्टेड लकी होता है मेरी पुरानी वाली वॉच का डिब्बा है बेचारी वो तो ख़राब हो गई पर मेरी वॉच जैसे कि मैंने जो लापरवाही रखी ना जैसे कि वाटर प्रूफ होने के बाद भी अंदर पानी जाता था कितने जनों ने इस चीज़ से सीखा और कितने जने हम मेरे को बोलते हैं कि आपके साथ जो गलती नहीं हुई थी कि आपकी वॉच में पानी जा जाएगी आपकी वॉच खराब हो गई हम तो ध्यान रखते हैं आप तो वॉच खोल खोल के पीछे चेक करते रहते हैं मैंने कहा मेरी तो दो बिगड़ी इस चक्कर में अच्छा है आप इस चीज़ से अवेयर हो गए
आपकी वॉचेस खराब नहीं हुई, वो दुख होता है यार, बड़ा दुख होता है। अगर कोई फेवरेट चीज़ होती है ना, ये वॉच तो जिगू ने बड़ी मुश्किल से मंगवाई, क्योंकि सेम ऐसी जो वॉच थी वो मेरी ख़राब हो चुकी थी, आपको पता है। जैसे कि वो देखो ऊपर दो डिब्बे पड़े हुए, थोड़े दिन इसके अंदर वो लेदर वाला बेल्ट लगा था, शॉक पूरा कर दूंगी। ओहो क्या लग रही है। ये हम दुबई जब घूमने के लिए गए थे तो डेजर्ट में गए थे, डेजर्ट से जैसे ही आए थे हमारे रूम पर तो हमारे यानी जितने शूज में इतनी ज़्यादा ये रेत भरी हुई थी, तो सारी ये दुबई के डेजर्ट की रेत है जो कि हमने संभाल के रखी है। दुबई वापस छोड़ने के लिए हम वहाँ पर जाएंगे और उसके लिए हम प्लान भी कर रहे हैं। फिर क्या मज़ा आता है नहीं यार ये सब चीज़ें, पर सच में कुछ ना कुछ हमको यानी वहाँ की यादें संजो के रखी है, वो देखने पर एकदम याद होता है। आज हमने और भी क्या देखा था, फरारी वर्ल्ड की टिकट्स भी देखी थी हमने जो वहाँ से, यानी हमने सारी चीज़ें अवेयर के रखी थी उसमें, वो फरारी वर्ल्ड की टिकट भी थी वो भी देखी है आज। और ये सब चीज़ें सफाई करते तो ये तो मज़ा है, जो पुरानी चीज़ें मिलती है ना उनको देख के फिर मेमोरी सारी रिक्रिएट होती है हमारे माइंड में। अब देख लो एक एक चीज़ सारी निकल ही रही है, शादी के टाइम पर की भी कितनी सारी चीज़ें निकल रही है, तो शादी का टाइम भी याद आ रहा है। और ये चिकन की सबसे फर्स्ट वाली वॉच सैमसंग की। अच्छा ये तो इसके चार्जर के अंदर डाल रखी है, इसके अंदर कैमरा ऐसे अलग से आता था, पर इसके बाद किसी घड़ी में कैमरा आया ही नहीं ना। और ये वो वाली लाइट है जो हम शादी से पहले वीडियो कॉल करते थे तो अंधेरा रहता था बहुत टाइम, तो ये लाइट जो रहती थी वो ऊपर ऐसे अटैच हो जाती थी और यहाँ से लाइट लगती थी। अभी तो हालांकि इसको चार्ज करना पड़ेगा, पर ये भी मस्त थी हम दोनों के पास थी। और ये मेरा वाला वायरलेस चार्जर जो मेरे पास रहता था शादी से पहले। देखो एक और चीज़ मिली है जो कि हमारे हनीमून की है, हम दुबई गए थे जब अटलांटिस में रुके थे, तो ये अटलांटिस के सारे सूटकेस पे लगाने के स्टिकर्स हैं जो कि पूरे सब एक ही डिजिट के हैं। और अटलांटिस का स्टिकर हमने अभी तक हमारे उसके ऊपर अटलांटिस का था कि एमिरेट्स का था, एमिरेट्स का सूटकेस पे लगा हुआ था, शायद अब निकल गया होगा, वो अपने आप ही निकल गया होगा। अब ये चीज़ भी मिली, देखो सोनी का अपना ब्लूटूथ जो हमारे दोनों के पास सेम था एकदम, और ये यहाँ से चार्ज होता था, नहीं यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड लगता था, इससे सॉन्ग्स भी सुन सकते थे ना, सॉन्ग्स एफएम सब एफएम वगैरह सब चालू है अभी भी। ये सब चीज़ें अब कौन यूज़ करता है, अब तो सब ईयरपॉड्स वगैरह ही यूज़ करते हैं, बर्ड्स ईयरपॉड्स। ये पूरा हमको दुबई का जो हमारा पैकेज था घूमने का, उसके अंदर जितने भी हमने ट्रिप्स किए अंदर जितने भी बिल्स हैं, जो भी शॉपिंग के बिल्स हैं या फिर हमने कहीं पर भी गए होंगे वहाँ का जो भी एंट्री पासेस हैं वगैरह, सब हमने इसके अंदर संभाल के रखे हैं। एक आधा निकालते हैं, और ये तो मैन हमारा जो मेक माई ट्रिप से हम गए थे उसका है, करेंसी एक्सचेंज है। अच्छा करेंसी एक्सचेंज जो अपन ने एयरपोर्ट पर करवाई थी, सारे एक एक चीज़ यानी हमने यहाँ तक की जो टैक्सीज में भी इधर से उधर ट्रैवल किया था उसकी भी बिल संभाल के रखे ये, यानी हिसाब के लिए संभाल के नहीं रखे थे, ये सारी यादें हैं जो हमने संजो के रखी है सारी, इसको भी मैं अच्छे से एक दिन बैठ के मस्त एक डॉक्यूमेंट फाइल में अच्छे से जमा के रखूँगी, ताकि और कहीं और भी हम ट्रैवल करेंगे तो पीछे पीछे उसका भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ सच में बहुत अच्छी होती है। हम कहीं पर भी अगर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की चीज़ें संभाल के रखो, या फिर वहाँ से कुछ ऐसा लाओ कि वहाँ की वो चीज़ हम देखें तो हमको वहाँ की याद आए। तो ये सब चीज़ देखने पर याद ही तो आ रही है, जैसे कि अब यहाँ पर हमने भी देखा मोशन गेट दुबई, हम इस यहाँ पर जब घूमने गए थे ना, चिकू कभी भी झूले में नहीं बैठते हैं, मैं उनको लेके बैठ गई और उनको पता ही नहीं था आगे जाके इतना ऊँचा हो जाने वाला है। बहुत मज़ा आया था क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है, अगर मेरे साथ उस टाइम पर कोई ऐसा होता ना कि अगर मस्त मेरे साथ यानी एडवेंचर कर सके इस टाइप का, तो मैं पक्का 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 वो वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट राइड है ना उसके अंदर जरूर बैठती, वो तो चिकू बैठ नहीं रहते साथ में इसलिए, और अकेले बैठने की इच्छा नहीं थी, बाकी मुझे तो बहुत इच्छा थी उसके अंदर बैठने की। चिकू तो बिल्कुल देख के ना पापा कहाँ जाए। फ्रेंड्स फाइनली रूम की सफाई हो चुकी है, सिर्फ मेरा ये वार्डरोब जमाना बाकी है, चिकू का तो आप देख सकते हो पूरा कितना भरा पड़ा था और अभी जस्ट खाली किया है ये पूरा, और कितना सामान निकल गया वहाँ जाके, लगभग सब व्यवस्थित जम गया है। और ये रूम देख लो बगैर पर्दों के कैसा लगता है, ये मेरे पति देव थक के सो चुके बेचारे आज, इतना साढ़े बारह तक हम सफाई कर रहे हैं, मैं तो लगभग 12 घंटे 12 के ज़्यादा, और भी 10 बजे की सफाई कर रही हूँ मैं, 14 घंटों से काम कर रही हूँ।
अब फाइनली थक चुकी हूँ और ये सारा कचरा देख लो। दिवाली की सफाई इसको कहते हैं, प्रॉपर हो चुकी है दिवाली की सफाई। अब यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।